The question is calculate sales. आपको सेल्स निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है और मगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स, सेल्स दे नहीं रखा है, बोल रहा है कि सेल्स का 20% है प्रॉफिट और दे रखा है कॉस्ट, कैसे निकलेगा? ये हमारा सिंपल फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है ना वो सेल्स के ऊपर है और आपको बुक में 2 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। वी कैन गेट डाउन टू दिस बेसिक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे सब बन जाएगा, मेक एन इक्वेशन आउट ऑफ दैट और इम्प्लाइज दैट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ए ग्रॉस प्रॉफिट को तोड़ दो, सिंप्लीफाई कर दो, ये सेल का 20% क्वेश्चन में लिखा है। अगर ये क्वेश्चन में लिखा है सेल्स का 20% तो 20% लो सेल्स का, सेल्स यहाँ पे है नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख, तो सेल्स को एक्स ले लो, तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 लाख प्लस एक्स बाई 5, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/5 क्योंकि 20/100 को तोड़ के छोटा कर दो 1/5 एंड लेट सेल्स बी एक्स, तो एक्स को सारे एलएचएस में ट्रांसफर करो, एक्स माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 2 लाख क्योंकि RHS से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाएगा कोई भी वैल्यू तो प्लस को माइनस हो जाएगा, तो इसको इक्वलाइज करो, LCM 5, 5x माइनस x इज इक्वल टू 2 लाख, दैट इज 4x बाय इक्वल टू 2 लाख, x इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख इंटू 5/4, साइड चेंज क्रॉस मल्टीप्लाई, देन डिवीजन मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो जाता है, तो एक्स इज योर सेल्स, तो सेल्स इज इक्वल टू 2.5 लाख जो कि आपको निकालना था, बट एक्स इज इक्वल टू 2.5 लाख निकला, एक्स हम सेल्स हमने सेल्स लिया था, एम्प्लाइज दैट सेल्स इज इक्वल टू 2.5 लाख एंड दिस इज द फाइनल आंसर। मेरे को यही आशा है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, तो अगर अच्छा समझ में आया होगा तो मेरा मोरल बूस्टिंग करने के लिए आप मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए, खुद पढ़िए अच्छी तरह और साथ मिलकर पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए ताकि शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें, पढ़ सकें और आप भी पढ़ते रहिए, दुनिया के हर काम के साथ पढ़ाई को मत छोड़िए, एटलीस्ट गिव सम टाइम इन ए डे टुवर्ड्स योर स्टडीज, नॉट टू अकाउंट्स, हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए एंड कीप ऑन स्टडी।